जब कहे दिन काफ स्टार्टर गेरो फलान गेरो दिगड़ गेरो सब बकवास है, सब यही चराओ, सब सब साथ चराओ। हाँ ये मतलब ये क्या कंपनियों का मतलब ऐसा कुछ रहता है? कंपनी तो भाई कमाउन खातिर बैठी सी, मेरे को एक कंपनी वालों आयो बोल जो हमारी फीड चराओ, एक किलो दूध बढ़ाएगा नू बढ़ाएगा मुखियारी बढ़ रहे हो से। फिर मैं बताओ हम क्या चीज थी फीड बढ़ाओ? बोलो जो हम मक्का डालते हैं, मूंग चोरी डालते हैं, बाजरा भी है, गेहूँ भी है। मैं बोल पहले यहाँ आओ, मैं बोल पहले मेरा नाथ चेक करो, जैसे आओ फार्म में दिखाऊँ। बोले चना छिलका चोकर, तो मैं बोल भाई यहाँ से लग रहा है लाइन में, भाई ये देखो इनमें से कोई अलग एक्स्ट्रा चीज के डालो तो। बोल जी नहीं जी हम तो यही डालते हैं। बस जब यही डालते हो तो ये मेरे 20-21 रुपए पड़ता है, और थारी फीड बढ़ाई 32 रुपए किलो, तो फिर 15-16 रुपया फालतू में क्यों दूंगा भाई? बिल्कुल ठीक है, गलत गई, बिल्कुल ठीक। हाँ इसी कोई बोल जब मिलन मिक्सर मिला हुआ था, मैं बोल 3 किलो मैं एक्स्ट्रा गेरू छू। जब फिर बोल जी कोई बात नहीं, हम तो आपसे मिलना आएगा था, मारे थारी बात पट्टे जो मिलना आए तो जाना ना पछाड़ा के मिलना आएगा भाई। तो भाण जो रिश्तेदार छू मिलन को भी ना, बिल्कुल सही। अब अपने फीड पे चढ़ाओ, सही सही है। तो भाई ये चीज मिलानी से ये कंपनियां में गाड़ी लिया डोल रहा थी, आज जैसे मेरे को नया मार आएगा जी फीड लो मारी लो, गाड़ी में बैठ कर रहा थी छोट वोट मार रहा थी भाई, कट्ठे से कमा रहा छू, बिल्कुल यही काम कर रहे है ना, बिल्कुल। तो इसलिए हम तो भाई अपने खुद बनाए। दोस्तों इस वीडियो में डॉक्टर विजय कुमार जी के सारे एनिमल्स दिखाएंगे, जो जहाँ तक मैंने जितने अपने एक्सपीरियंस में अपने इस फार्मिंग के चैनल के जो मेरा कार्यकाल रहा है, इन सब में जो सबसे जो बेहतरीन पशु जो देखने को मिले हैं वो इसी डेयरी फार्म के हैं। मैं तो ये कहूँगा इंडिया में शायद मेरे हिसाब से जो टॉप एनिमल्स, टॉप जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो स्वस्थ जो पशु देखने को मिलेंगे वो शायद यही मिलेंगे। दूध के बारे में सारी जानकारी बताएंगे, किस तरह के एनिमल्स हैं पूरी जानकारी उनके अब हम इस वीडियो में इनके डेयरी का विजिट करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो विजय कुमार जी आप, मैं चाहूँगा कि इस अगली वीडियो में आपके जो पशु हैं मैं उनका अपने व्यूवर्स को विजिट करवाऊँ, दिखाऊँ आपके पशु कितने तंदुरुस्त हैं और मतलब किस तरह की जो क्वालिटी है मेरे को कम देखने को मिलती है। तो अपने पशुओं का विजिट करवा के बताएँ कितना दूध है, कौन से लैक्टेशन में है, उसके बारे में दिखाएँ ज़रा। जी ये पाडी है मेरी, हाँ जी ये 2 साल और 5 महीने की हुई है। ठीक है। और ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है जी, इस 26 तारीख को 8 महीने की हो गई। 8 महीने की? हाँ 2 महीने ब्याने के है। ठीक है जी। तो ये समझो 2 साल 5 महीने, 2 साल 7 महीने के बैली। अच्छा जी। कि फर्स्ट बार भी आएगी ये पाडी, देखो इसकी हेल्थ देखो जी, बहुत बहुत तंदुरुस्त, बहुत अच्छी। हाँ अच्छी है। ये 2.5 साल के आगे हो रही थी। ठीक। अब ये 2 महीने ब्याने के हैं इसके 26 तारीख से, और इसकी हेल्थ देखो कितनी बढ़िया। फीड मैनेजमेंट जो आपने बताया सारा सेम वही। आपने तो अगर मारो कुत्तो सो भी लाज में चरिकाओ से। अच्छा। और बादशाह भी वही चरेगो। ठीक है। भैंस भी आई चरेगी, गाय भी आई चरेगी, मारे कोई भेदभाव नहीं की बादशाह डोल रही सारा बादशाह भी वही चरेगी। ठीक है। मारे कोई भेदभाव को नहीं अलग डाला नहीं अलग डाला। मार तो सिद्ध दोनों समझ लो ब्याह में पंडाल लगा दी भाई, इसकी भी खाओ। बहुत बहुत बढ़िया। अपने सिद्धि बादशाह घनी वाना गया। बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट बार की है जी, ये 2 साल की बच्चे भी आ रही जी, बल्कि 2 साल से 1 महीना कम था जिसका। 2 साल से 1 महीने पहले ही? इसका एक महीने, अब तो ये 3-4 महीने की ब्याई हुईगी। हाँ जी। अब भी दूध 22-23 किला है इसका। अच्छा जी। ये फर्स्ट बार ब्याई है, ये फर्स्ट बार की है जी। ठीक है। ये फर्स्ट बार की ब्याई है, 6-7 महीने की ब्याई हुई। ठीक है। 18-19 किला दूध इसके। ठीक है जी। अच्छा सारे पशु में आप सारे पशु प्योर हैं आपके? हाँ सारे, ये फर्स्ट बार की है जी। ठीक है। ये तीसरी भी आएगी जी, अब ये एक ब्यात मारगी जी, ये एक ब्यात मारगी नहीं चौथी ब्याह जाती, तीसरी भी आएगी जी। अच्छा जी। तीसरी ब्याह होगी, ब्याह जो मारगी वो हेल्थ बना जाएगी जी। अच्छा जी। इसकी हेल्थ ज्यादा है, एक ब्यात मारगी। एक ब्यात मारगी, ठीक है। हाँ। और ये गाय है मेरी, ये मेरा ध्यान से तो 6-7 बार की ब्याह हुई है। अच्छा जी। या थोड़ी सी पिछली दफा इसका थड़ेला रोग आ गया था। अच्छा जी। ये ऊंडी आड्डी रह गई थी, वैसे तंदुरुस्त है, ये थोड़ी बड़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये मेरी तीसरी ब्याह है जी। तीसरी बार ब्याह है। हाँ तीसरी बार ब्याह है। ये भी काफ़ी हेल्दी स्वस्थ, इसका दूध और बताएं कितना है? इसका दूध जी 28-29 किलो का दूध। ठीक है। हाँ जी। ये दूसरी ब्याह है। अच्छा जी। हाँ इसका दूध भी 25 के बाव था जी। अच्छा जी। हाँ ये दूसरी ब्याह है, अभी होगा। ठीक है। ये दूसरी है जी, ये दूसरी बात की है, दोनों साथ की है। ठीक है। साथ पहलवान भी साथ भी आई थी, दूसरी भी साथ भी आई। अच्छा जी। इसका दूध 32 किलो का निकल आया जब की बार। ठीक है। 26 किलो पहलवान दिया है, दे ही नहीं बनाई जो ज्यादा दूध की सवाई दे ही नहीं बनाई, मन ने को न्यारी चराऊं छु। हां 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 पता उन ने भाई चराऊं हन ने भी, बिल्कुल दूध ज्यादा काट है इसलिए कमजोर है। ठीक है। हां
ये मेरी तीसरी ब्याजी है, इसने 30 के बाद दूध दिया है, ये हेल्दी अच्छी है। 30 से ऊपर दे दिया? 30 से ऊपर। बहुत ही बढ़िया हाइट वगैरह देखिए, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और ये मैं बताई थी इसका बरदार, तो ये 42 किलो दूध के लिए कुछ हाइट रहा बिल्कुल। अच्छा ये इतनी ज्यादा हाइट है इसकी, हाँ जी, क्या स्पेशल सीमेन का क्या फर्क आ गया? कोई सीमेन नहीं, उस टाइम पे जेके का है मोरला, देखो जेके ट्रस्ट, ये जेके अच्छा ने तो सीमेन दिया था NDDB का, ये वो सीमेन है, मेरा ही बीज लगाया है जिस टाइम जेके में काम करा रहे थे, टैग आज भी लग रही है। अच्छा जी, हाँ ये बच्चा टैग लगाया था ना, या बच्चे ये वो सीमेन की है, नॉर्मल सीमन की है, कोई ऐसी बात नहीं, स्पेशल सीमन नहीं था। अच्छा जी, जो जर्नल सीमन मिल जाता जी, बिल्कुल बुल की तरह स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल जी, तगड़ी है, बहुत बढ़िया। वो जो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे इनके जो मेल काफ हैं वो भी आप देख सकते हैं, सेम इनकी फीमेल की तरह है, स्वस्थ है, वो पीछे वाला भी मेल काफ है, फीमेल है। हाँ जी, अगली इसके बारे में बताएं। ये जी 5 रुपया जी है। अच्छा जी, अच्छा दूध है इसके, 28 किलो ठीक है, दूध तो लगभग गए बस 25-30 का बीच में लमसम से। ठीक है, ये दूसरी भी आई है जी। अच्छा जी, इसका आज भी 26 किलो से ऊपर दूध है जी, दूसरी देख कितनी कमजोर है जी, ये तैयार नहीं हो रही, तैयार नहीं है, इसका ब्योता आया है, दूध ज्यादा दे रही है। अच्छा, इसलिए थोड़ी कमजोर है। अच्छा जी, हाँ, और चरण पीड़न में सब तंदुरुस्त गाय, बाकी दूध इसका तो बल्कि अब की बार गई दिक्कत, ज्यादा दूध बढ़ा रही है, ज्यादा दूध बिल्कुल सही ऑर्डर की, इसकी लेंथ वगैरह कमजोरी देखता अड्र ज्यादा काट दी, ज्यादा अड्र सही, और दूध भी यार ब्याड़ी 4-5 महीना की होगी, भी दूध आगे तले 27-28 किलो दे रही। अच्छा जी, तो वह कैसे शरीर बढ़ाओगी बेचारी? बिल्कुल सही है, ये चार तो कम करा था तो वैसे कमजोर हो जाएगी बिल्कुल, तो ये भी देखगी सिमन लेट धरूंगा मैं। अच्छा लेट करोगे? क्यों, आप ये लेट कर देंगा, ये सिमन धर देंगे कंसीव करगी, फिर ड्राई नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी अगली बार बेच जाएगी तब मरने हो जाएगी। अच्छा जी, तो ज्यादा दूध देने से उसको सिमन लेट करो जी, कम से कम 6-7 महीने, जब दूध घटन लग जाए ना, जैसे 20 किलो दूध पाएगी, जब सिमन करो जी उनका। अच्छा अच्छा, अगर तुरंत सिमन कर देगा तो अगलो ब्याज मार जाए, क्यों वो फिर ट्राई नहीं हुए। अच्छा, ट्राई नहीं होगी तो वह जल्दी ब्याह होगी, जल्दी ब्याह होगी तो दूध नहीं बनाओगी। अच्छा जी, तो मेरा चक्कर दिया है तो 6 महीने तक मैं सिमन भी नहीं करता जल्दी से। अच्छा अच्छा, क्यों, पहले दूध का मजा लेता हूँ। अच्छा, क्या भैंसों में भी ऐसे कर सकते हैं? भैंसों में कर जाए मर जाए कुछ भैंस आड़ो थे। अच्छा जी, भैंस ने 3 महीना देना उसे, 3 महीना उनका से सिमन उनका तो सरों में ही कर दे तो बढ़िया फायदा, 3 महीना आठनो से चाहिए वक्का भाई सिमन कर ले। अच्छा अच्छा, बस भैंस तो कोई 100 में एक आधी मिलेगी जो भाई लंबा टाइम दूध दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये बछिया 3 रुपया लेगी। अच्छा जी, ये उसकी बेटी थी जो मैं बता रहा था ना वो कमजोर है, या उसकी मास है। अच्छा जी, या 3 रुपया ली, वह दोबारी ब्याह ली, बराबर ही 1 साल बाद कोई गैप सड़ एक साल का सही है। ये भी दूध अच्छा दिया 30-32 किलो, ये भी उसकी माँ की बेटी की है, कमजोर रहती है। अच्छा, दूध ज्यादा देती है, ज्यादा दूध देती है, इसी की बेटी है वो, सही है। अच्छा जी, ये गाय थी बहुत ज्यादा ऊंड निकाले थे इसने, 5-6 बार की ब्याहड़ी है, बड़ी गाय है। अच्छा, और ये 35+ दूध था इसका जी, ये ब्याई जब बैठ गई जी। अच्छा जी, ये खड़ी ही नहीं हुई। अच्छा, अदरवाइज डेयरी में होती था कि मर भी जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट सुबह शाम कराया, ये 4-5 दिन में उठ गई। अच्छा, आपको ठीक है, अब भी दूध इसका 30 का लगभग है, दूध बढ़ा दिया, फिर समझ गई तैयार होगी। नहीं बिल्कुल स्वस्थ लग रही, बिल्कुल आप एकदम स्वस्थ है और बढ़िया है गाय, ये भी ये प्योरिटी गाय है ना, इसीलिए प्योर के कारण ठीक है। ये गाय मैं लेकर आया था जी पिछले साल, और ये गाय पंजाब से आई थी जी 68,000 रुपए में। अच्छा, हमारे पड़ोसी गांव में, तो वहाँ उसने इतनी कमजोर कर दी, इतनी कमजोर कर दी, अब इनके ब्याई जब इतनी कमजोर थी, इसके चिच्चड़ ढेरे जू किले बहुत जबरदस्त थे, घर को ले आया, जब बोले भाई हम नहीं बढ़ने, किसी भुंडी गाय लिया, हमारे साथ बोले यार कितना लिया मैं 50,000 में, 68,000 तोड़ के ले आया था। अच्छा जी, यह इतनी खराब गाय थी, और ये आई देखो आज आने पिछाड़ी को नहीं गाय मिलगी कि नहीं मिलगी, बिल्कुल सेम स्वास्थ्य और बिल्कुल। 6 महीना पहले किसी कमजोर थी, अब बस इतना बुरा हाल था इसका बहुत, परिवार ने बोलिया इसी गाय के हाथ लिया, या आज भी देखो कितनी तगड़ी गाय, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, देख लो भाई कितनी शाइनिंग होगी, अब की बार 30+ काटेगी, वैसे खारखंड का 25 किलो दूध दिया है। अच्छा अच्छा जी, बहुत, लेकिन अब की बार नहीं दिया क्यों, कमजोर कर दी ना, कमजोरी का अपने काट देगा 30। सही सही, ये गाय देखो पक्की प्यारी है, बिल्कुल हेल्थी गाय है, देखो हेल्दी चल रही है, स्वास्थ्य बिल्कुल, और देखो भैंस की तरह दे ही है जी, बिल्कुल जी बहुत। इसका दूध कितना रहा है? इसका दूध 37-38 किलो दूध काटे जी, 37-38 किलो। हाँ, ये भी मेरे चौथी पीढ़ी मारी है, इसकी नानी की नानी लेकर आया था, कहने का मतलब इसे। अच्छा जी, आगे 5-6 ब्रीड तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, इसकी बाण भी जो आप पतली है ना जी, ये है, ये पतली है, इसकी
समझ लो बाहर की लड़की ये पत्र जो मैं बता रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये उस गाय की बाण की है, उसकी बड़ी बाण थी। अच्छा अच्छा। उस गया पैदा हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ये देख लो ना। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है बिल्कुल। और मेरी डेयरी की सबसे बड़ी गाय ये है। सबसे बड़ी गाय? हाँ सबसे बढ़िया। 13-14 पर ब्याह ली थी। अच्छा जी। अब की बार कल सीना ये वही है जो मैंने वीडियो बनाई थी? वो गई है। ठीक है। ये अब की बार कंसीव ना कर रही। अच्छा कंसीव नहीं कर रही? नहीं कर रही जी, छोड़ रखी है। तो 2.5 साल होगी ब्याहड़ी ने, हम इसको छोड़ा भी नहीं। या चरे चरो कोई दिक्कत नहीं, दूध दो या न दो हम इसको रखेंगे। अच्छा जी। हाँ ये खुट्टे पे मरेगी, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने 10-12 साल दूध पियाए उसे, दीवानी कट्ठे धक्का खाटा थोड़ा। बिल्कुल। जब हम जाते हैं मारो जी बड़ा प्यारी बेचारी, तो या अपने खाओ पियो मौज करो, कंसीव करेगी जब कर लेगा पढ़ के मोल लाना सिमन। सही सही। जी करा टेक दिया मान जाए ठीक है, फिर टेक दिया। बिल्कुल ठीक। मानना तो ठीक ना मानना तो ठीक है, मतलब फ्री छोड़ दी। हेल्थ बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। बाकी हेल्थ देखो इसकी। बिल्कुल बिल्कुल इसकी हेल्थ देखो। ये चौथी बार ब्याह होगी। फोन साइलेंट। ये 10 तारीख को दिन पूरा करेगी जी। साइलेंट कर। बहुत बढ़िया। दिन पूरा करेगी जब 10 तारीख। अच्छा इसकी चौड़ाई काफी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। ये तो ज्यादा चौड़ी है, बहुत ज्यादा चौड़ी है। 37-38 किलो दूध से ऊपर दूध देती है जी। अच्छा जी। हाँ बहुत भारी भैंस। ये क्या अलग सीमन था कोई? ये सीमन तो नहीं था जी, ये अलग ये, पता नहीं कैसे इसको तो मैं मेरे ख्याल से एचएफ से अलग जाएंगे तो ना थोड़ी सी क्रॉस में। हाँ कुछ मतलब हाँ प्योरिटी सी कम है लेकिन दूध ज्यादा है, क्या पता है भाई। कई बार क्रॉस ब्रीड भी ज्यादा दूध देती है। अच्छा जी। हाँ कई बार अनपढ़ भी आदमी सवाल ऐसा पूछ ले से वह बात होगी ना। बिल्कुल सवाल भी और जवाब भी सही। जवाब भी अनपढ़ आदमी भी ऐसा सवाल कर दे तो आएगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रोस में इतनी आदमी दूध ज्यादा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप अपने जो काफ हैं, जो आपकी हिफर तैयार हो रही है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि आपके पशुओं का काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन उमदा क्वालिटी और जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो हेल्थ है। ये भी मेल है जी, मेल के काम से। लेकिन देखो इसकी हेल्थ देसी है, खुद हरियाणा का बीज धरा हुआ है। इसकी माँ का भी हरियाणा का बीज धरती भी पैदा हो रहा है फिर। अच्छा अच्छा। सेकंड बार ब्याह देसी गाय है, खुद की बच्चे तैयार किए, इसकी माँ ले आए थे छोटी बच्ची। अच्छा जी। ये इसका पिछली बार हरियाणा में धरा, ये बच्चा है, कितना हेल्दी है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये मेरे काम नहीं है ये। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही है। ये पहलवान है जी। अच्छा जी। ये 22-23 किलो दूध है, ये पहलवान है। ठीक है। देखो पहलवान गाय की बहुत बढ़िया। क्या हुआ है 4 महीने बाद में खाली निकलाई थी। अच्छा जी। तो जब थोड़ी हेल्थ ज्यादा बनी थी। अच्छा। 4 महीने पहले ब्याह होनी थी, फिर वह निकलेगी। ठीक है। ये पहलवान है, ये भी पहलवान ही है। ठीक है। फर्स्ट बार में। ठीक है। इसके दूध 25 किलो है। 25 किलो। ये ब्याई से पहलवान इसका ये बच्चा है। अच्छा जी। हाँ ये अब ब्याई से 17-18 तारीख की ब्याई पहलवान है जी। ये 40-116 का बीज है जिसकी माँ का रख दिया। अच्छा जी। बहुत काफ़ी अच्छी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 2 साल हुई। 2 साल हो गई है। 2 साल से पहले ब्याती है सारी गाय। 2 साल से पहले? हाँ। कोई ऐसी गाय नहीं है जो 2 साल। एक वह बच्चे भी आई थी वह 2.5 साल करी गई जी। अच्छा। उसकी हेल्थ ज़्यादा हुई। अच्छा जी बिल्कुल ठीक। बाकी 2 साल से पहले ठीक है, मतलब 13-14-15 महीना तक आ गई जी। अच्छा अच्छा ठीक है। ये बच्ची आई थी उसकी जो वो बता रहे थे ना कमजोर है, झूठ ज़्यादा है, उसकी बच्ची आई थी 2 महीने भी आने का आएगी फर्स्ट बार भी आएगी। अच्छा जी। ये भी फर्स्ट बार भी आएगी जब पहली बार भी आएगी। 20-25 तारीख में पूरा आएगा जी। 8 बच्चियाँ। अच्छा अच्छा पहली बार। बहुत बढ़िया पहली बार भी आएगी। अच्छा इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा कुछ इसकी भी? हाँ इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी ठीक है। इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थोड़ी सी। ये जी साइलेंट रहेगी या दोबारी आप सिमन कराइए, हेल्थ बनाएगी, बाकी कंसीव ना हो रही या ना हो रही। अच्छा अच्छा। हम लोग काम रहेगा ये भी दोबारी 1 महीना होगा। अच्छा जी ठीक है। ये थोड़ी क्रॉस में है। ठीक है। ये बच्चिया उस बूढ़ गाय की तो बता रहा था ना शुरू में। हाँ हाँ। अब वह बैठ गई थी, उसकी पिछले ब्याह की बच्ची आई। ठीक है। अब की बार अनमाश कोई बच्चे। ठीक। ये कंसीव करेगी जी आज 15 तारीख को 2 महीने की हो जाएगी जी। अच्छा अच्छा ठीक। और उम्र होगी 16 महीने की इसकी। 16 महीने। हाँ जी बाप बिल्कुल। और 2 महीने कंसीव करेगी। बिल्कुल ठीक है। ये जी 3 फरवरी को 3 फरवरी को 1 साल की हो गई जी ये बच्चिया। इसकी माँ मर गई जी, वही बता रहा हूँ जो वो बड़ी गाय थी। हाँ हाँ। जैसे कि बेटी उनकी बहन की बेटी जो है या वो गाय मर गई जी, वो पीछे या सिर्फ 10-15 दिन छोड़ के मर गई। ये 12 महीने की हुई थी 3 तारीख ने। अच्छा जी। और इसका
एक बार हिटमा आ रही है। अच्छा जी, समझो ना। ठीक है, हाँ हिटमा आ रही सही, 12 महीने की हिटमा आ रही थी। अच्छा जी, तो ये भी आप दोबारी हिटमा भी सिमन कर दिया। चलो जी, बाकी भी यार तैयारी पे कभी भी आ सकती हो। बहुत बढ़िया, 12 महीने की हो जाए तो 12 और 9 21 हो गए, 21 महीने की वैली है। बिल्कुल सही है, ये 4-4 महीने की है जी, सारी सारे 4-4 महीने की। हाँ जी, कोई अन करिए अलग मैटर नहीं है। जब कह दी काफ स्टार्टर गेरो फलान गेरो दिगड़ गेरो है, सब बकवास है, सब यही चराओ, सब सब साथ चराओ। हाँ, मतलब ये क्या कंपनियों का मतलब ऐसा कुछ रहता है? कंपनी तो भाई कमाउन खातरी बैठी सी, मेरे को एक कंपनी वालों आयो बोल जो हमारी फीड चराओ, 1 किलो दूध बढ़ाएगा उन्हों बढ़ाएगा मुखिया नहीं बढ़ रहे उसे। फिर मैं बताओ हम क्या चीज़ थी फीड बढ़ाओ, बोलो जो हम मक्का डालते हैं, मूँग चोरी डालते हैं, बाजरा भी है, गेहूँ भी है। मैं बोल पहले यहाँ आओ, मैं बोल पहले मेरा नाथ चेक करो, जैसे आओ फार्म में दिखाऊँ, बोले चना छिलका चोकर। तो मैं बोल भाई यहाँ से लग रहा था मेरी लाइन में, भाई ये देखो इनमें से कोई अलग एक्स्ट्रा चीज के डालो तो। बोल जी नहीं जी हम तो यही डालते हैं। बस जब यही डालते हो तो ये मेरे 20-21 रुपए पड़ता है, और थारी फीड बढ़ाई 32 रुपए किलो, तो फिर 15-16 रुपया फालतू में क्यों दूंगा भाई? बिल्कुल ठीक है, गलत गई, बिल्कुल ठीक। हाँ इसी कोई बोल जी मिलन मिक्सर मिला हुआ था, मैं बोल 3 किलो मैं एक्स्ट्रा गेरू छू। जब फिर नू बोल जी कोई बात नहीं, हम तो आपसे मिलना आएगा, तो मारे थारी बात पट्टे थे मिलना आए, तो जाना ना पिछाड़ा के मिलना आएगा भाई। तो भाई जो रिश्तेदार छू मिलन को भी ना, बिल्कुल सही। अब हमने फीड पे चढ़ाओ, सही सही है। तो भाई ये चीज मिलानी है, ये कंपनी हम गाड़ी लिया डोल रहे थी, आज जैसे मेरे को नया मार आएगा जी फीड लो मारी लो, गाड़ी में बैठ कर रहे थी, छोट वोट मार रहे थी भाई, कट्ठे से कमा रहे छू, बिल्कुल यही काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इसलिए हम तो भाई खुद बनाए गेरा था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। बस थोड़ी बहुत ही फीड फाड़ गेर देना आधी बार तो मेरी फीड भी निबड़ी रहे। अच्छा, अनाज पे ज्यादा फोकस, जिस अनाज पे ज्यादा रहता है। हाँ जी, ठीक है ठीक है, अनाज पे सब कुछ बनता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बोलो जब नूं करा मैं बोल भाई किम करो करो, मेरा यहाँ अच्छी डेयरी दिखा दो थारी कड़ी। तो ये ज्यादा ये सब लुटने की कंगार पे जा रहे सारा। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर।